दोस्तों नमस्कार, मैं लखन सवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ ग्राम कांकड़ा, तहसील नईसरा, जिला सुनगर, और वो अद्भुत चीज मैं बताने वाला हूँ। इसका इतिहास दबा कर रखा है, कुछ बता नहीं पाए। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मण जी तो सीता माता जी को छोड़ने जाती है और वापिस लौट के आती है, तब तो यहीं पे उन्होंने विश्राम किया था, ऐसी मानता है यहाँ की। और यहाँ के जो बुजुर्ग है मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा। एक अद्भुत चीज है मैं कहूंगा और बताएंगे आपके लिए, उसका इतिहास जहाँ के शासकीय शिक्षक रहे श्री रामवीर जी, इतिहास शिक्षक है, वो बताएंगे। और मैं उनसे आग्रह करूंगा गुरु जी से कि इसका इतिहास जो दबा रहा अभी तक बताने की कोशिश करें, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता पड़ा कि अपने बीच में एक अद्भुत चीज है। वो अद्भुत चीज नहीं है, 14 रत्नों में से निकली हुई चीज है। तो मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा वो बताएं। यह कल्प वृक्ष है। बताया जाता है कि सागर में 14 रत्नों में से यह एक है। इस वृक्ष के नीचे बैठने से आत्म शांति मिलती है और इस पेड़ में 6 महीने पत्ते लगते हैं और केवल फूल लगते हैं, फल नहीं लगते हैं। पुराने शास्त्रों की मान्यता अनुसार यह वृक्ष सागर में से निकले 14 रत्नों में से एक है। यहाँ पर ग्राम कांकड़ा में 2 वृक्ष थे, कल्प वृक्ष, एक उकाबाद बारिजस्ता में थे, वो उखड़ चुका है। और ये लक्ष्मण टेकरी पर स्थित है कल्प वृक्ष। यहाँ पर 30x30 का चबूतरा निर्मित है, पास में ही शंकर जी की गुफा है, बालाजी दरबार है, माता आसमानी विराजमान है, हरदौल की मूर्ति है और पास में गौशाला स्थित है। दोस्तों आपने गुरुजी सुना का इतिहास, तो एक अद्भुत चीज है वृक्ष की, आप देख सकते हैं वृक्ष का कितना पुराना इतिहास रहा होगा। और मैं कह रहा हूँ जिस सचमुच ही अद्भुत है, कभी मौका लगे देखने आना, ग्राम कांकड़ा में स्थित है, हनुमान फड़िया के नाम से, लक्ष्मण फड़िया के नाम से। तो कभी आपका मौका लगे दोस्तों आना। और जिस सचमुच 14 रत्नों में से रत्न है, 6 महीना फूल आती है और 6 महीने पत्ती गिरती है, इसकी कोई फल नहीं लगता इसमें, इसकी औषधि में बहुत काम आते हैं। लोग गांव के कहते हैं इसकी औषधि से हजारों बीमारी सही हो जाती है। तो दोस्तों कभी मौका लगे, अद्भुत नजारा है, मैं कहूंगा पीछे मुड़ के बताएं, फड़िया के स्थित पीछे देख के बताएं, नजारा ही कुछ ऊपर से लगता है। हरदौलाला का मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मण जी जब विश्राम करते हैं आकर, माता सीता जी को कई लोग छोड़ के आते हैं, वापस लौट के आराम यहीं पे करते हैं। वो उनका जो बना हुआ है चबूतरा था, मंदिर निर्माण करवा दिया गांव वालों ने। और कभी मौका लगे तो अवश्य आए। अशोक नगर जिले के तहसील नईसरा में ग्राम कांकड़ा में स्थित लक्ष्मण फड़िया के नाम से फेमस है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और बेल का बटन नहीं दबा दें और लाइक कर दें। दोस्तों जय श्री राम। लखन हमने जी 20 पेड़ लगाए थे जी, मेहनत करके जी, मैं 10 फाड़िया स्थित दोस्तों फाड़िया की दूसरी ओर एक गुफा है, मैं उस गुफा के आपके दर्शन करा रहा हूँ, वो भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। चढ़ाई चल रही है फाड़िया पे, नीचे बताऊंगा कितनी पे चढ़िया है। अभी हमारी मित्र टीम आ रही पूरी, अब वो स्थान पे आने वाले हैं। ये पीपल का वृक्ष है, महाराज जी है, वही गुफा है छोटी सी, अब ये गुफा के अंदर जा रहा है भैया। दोस्तों
जी बीज रखा है, बीज कुमार साहब पढ़ के बता रहे हैं। आगुरु जी बीजक में क्या लिखा हुआ है? ओम नमः शिवाय ग्राम काकड़ा, ओम नमः नारायण, ओम नमः महेश गणेशाय नमः, दिगंबर नागेंद्र भारती जी, मुकाम काशी शिवालय घाट पर श्री पंचायत निरंजनी अखाड़ा मणि नरसिंह सम्मत 2024 सम्मत 2024 में काशी वाली महाराज द्वारा बनवाए हुए निर्माण हुए गुफा है, और गुफा के भीतर हम बताने वाले हैं आपको दोस्तों उसमें क्या है भीतर। और जो शिव परिवार पूरा मंदिर है और भगवान जो है अंदर गुफा शिव परिवार बैठा है पूरा। देखे भाई साहब दर्शन करें भैया दोस्तों, अद्भुत नजारा है शिवलिंग का, ये गुफा है भीतर, और मैं उसको बता रहा हूँ आप पहने रहा है इसमें तो क्लियर क्लियर ये नागेंद्र भारती द्वारा और ये बड़े महाराज का स्थान है, प्राचीन है, कभी लगे मोगा ग्राम कंपनी माना भैया ऐसा भूला उनको कौन 13-14 दिन रहे थे और ते के बाद वो होगा।